ये संस्कृति है। इसलिए मैंने इस गीत को गवाया कि आप लोग थोड़ा आपके अंदर का ऊर्जा समझ में आए कि आप क्या चाहते हैं। वास्तव में समाज की नीति नियम आज भी समाज को आवासी धर्म इतिहास और धर्म तोर पिता परस्ते जी और भाषा तोर माता और धर्म तोर पिता। इधर वाले एक ही कहना है कि पगड़ी लगा लेने से पीला गमछा लगा लेने से हमारी संस्कृति वापस नहीं आएगी। जब तक हम अपनी धर्म संस्कृति अपने घर में नहीं मनाएंगे तब तक गुणवाना राज नहीं आएगा। तो संगठन के लिए जोरदार तालियां। इसलिए थोड़ा याद कीजिए कि काबर भूले कितना दान देकर ये समाज गरीब हो गया।
लेकिन आपने अपने समाज को दान नहीं दिया, आपने अपने बेटों को दान नहीं दिया, इसके कारण ये राजा से फकीर हो गया। दान की प्रक्रिया जो हमारे समाज से कोई संबंध नहीं, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझते होंगे, ऐसे लोगों को आपने दान दिया और ऐसे लोगों को सम्मान दिया जिसका खून भी हमारे एनएस टेस्ट करा लीजिए, उनके और हमारे में कितना फर्क है। इसलिए आप राजा से रंग हो गए कि धर्म छोड़े जब इसको लेकर आप कलेक्टर के ऑफिस में चले जाओगे ना, उसका पेट दर्द करने लगता है, क्योंकि इस पीला गमछा में इतना ताकत है, क्योंकि किसी का झंडा भगवान नीला, किसी का झंडा लाल है, किसी का झंडा भगवान नीला, किसी का झंडा लाल है, और पीला से जो जीत सके वो कौन सा माई का लाल है। इसलिए मेरा कहना है के हल्दी चावल मैंने कहा कि हल्दी चावल के टीका लगा ले, पीला गमछा अपना माथा सजा ले, सबको अपने माथा में बांध ले, पीला गमछा वाले गुणवाना राज ला रहा है अपने मस्तक में बांधे, ये हमारा धर्म संस्कृति का पहचान अपने तोला का धोखा ऐसे चलक भैया हल्दी बांध ले, सबको बांध ले कैसे है हल्दी चावल धर्म संस्कृति को छोड़ दिया, जिसके कारण
राजा से फकीर हो गए। आज राजनीतिक लड़ाई नहीं, धर्म संस्कृति की लड़ाई है, और धर्म संस्कृति जिन्हें विश्व संस्कृति को जन्म दिया। आज देश आजाद होने के बाद भी, इतने साल बाद भी हमारी गोंडी भाषा को आज भी मान्यता नहीं मिला, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने धर्म संस्कृति को छोड़ दिया। इसलिए मेरा कहना है, याद करें, अगर जिस माँ ने आपको जन्म दिया उस माँ की सेवा भी आप नहीं करते। हम जय सेवा कहते हैं तो लोग हंसते हैं। मैं गोवा में था साहब, गोवा में जब मैं था दादाजी के साथ, जब मैं जय सेवा का नारा लगाया तो लोग कहते थे कि जय सेवा क्या है। तो मैंने कहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोलिया मैं, वहाँ छत्तीसगढ़ी कम समझते हैं लोग, लेकिन जैसे मैं छत्तीसगढ़ी बोलता था इंग्लिश में, जैसे ये प्रोजेक्टर लगा है ना उसमें हिंदी इंग्लिश में कन्वर्टेड होता था। ऐसे ऐसे जगहों पे हमने कार्यक्रम किया, लेकिन आज मेरा मुझे गर्व है। क्यों गर्व मंडला है? रामनगर के किला में मैं 7 बार कार्यक्रम किया हूँ, दादा मल्हार के सानिध्य में रहकर। गोंडी धर्म संस्कृति हमारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, मुझे अफसोस होता है कि जिस धरती में हमारी 8 पीढ़ियां यहाँ राज किए, वो धरती के लोग आज राजा से फकीर हो गए। आज विधायक बनते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन हमारे 85% से लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये बात मुझे बड़ा विखंडित करता है। इसलिए और धर्म तोर पिता और भाषा तोर माता, आज के बाद हमारे धर्माचार्य जी सवेरे गोंडी भाषा में पूजा करा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप समझते नहीं होंगे, लेकिन याद करिएगा कि धर्म तोर पिता और भाषा तोर माता, और फिर ले लहूट के आहिना। जब अपने धर्म संस्कृति को बनाएंगे, इसलिए भूलना नहीं है, हमने भूला इसलिए राजपाट कमा गया, छिन गया। इसलिए मेरा कहना है कि कबर भूले रे आदिवासी, इसलिए हम राजा से फकीर हो गए। हमारे परम सम्मानी, मुझे खुशी है हमारे दरभु दादा जी का आगमन हुआ, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। मेरे बहुत ही क्लोज और हृदय अंतर आत्मा से जिन्हें मैं बहुत माना हूँ, दरभु सिंह जी आपका आगमन इस मंच पे होने जा रहा है, बहुत ही धन्यवाद और आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है कि रीना सुवला। Yeah.